कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ गणगौर पूछ के, जैसे कि आप देख सकते हो टीका वगैरह लगा रखी हूँ, पूछ के आ चुकी हूँ सुबह सुबह। आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला अपने ब्लॉग का कंटेंट बनाने का, तो मैं अब आके बना रही हूँ। अब थोड़ी सी मैं रिलैक्स्ड हूँ। 12 बज चुके हैं, 10 बजे हम गए थे गणगौर पूछने, तो रेडी वेडी हुई मैं, देखो कैसी लग रही हूँ। तो अभी आई हूँ गणगौर पूछ के। तो अभी आपको मैं इसमें दिखाती हूँ, इस वीडियो के आगे छोटी छोटी क्लिप्स, हम कैसे गणगौर पूछे, कैसे एक कुछ होता है एक पत्ता, उसका कुछ वो होता है ना, वो तोड़ के उससे भी कुछ पूछा जाता है, तो वो सब कुछ मैं आपसे इसी ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस क्लिप्स के शेयर करने के बाद इवनिंग में कैसे विसर्जन होता है, तो फिर हम अब शाम के टाइम हम वापस जाएंगे, वापस गणगौर माता को हम भोग लगाएंगे और फिर जो है गणगौर माता चली जाएगी। जैसे एक बेटे की विदाई होती है, वैसे ही आज गणगौर माता भी अपने ससुराल चली जाती है। और ऐसा माना जाता है कि 16 डेज़ गणगौर हम पूछते हैं, तो 16 डेज़ के लिए जो गणगौर माता है वो अपने पीहर आती है, तो आज वो अब वापस चली जाएगी। तो कैसे हम उनके विदाई करते हैं आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो देखिए यही वो लीव्स है जिसका यूज़ हमें पूजा के टाइम पे करना पड़ता है। इन लीव्स में से हमको स्टेम को अलग करना पड़ता है और इनकी अच्छे से काउंटिंग करनी पड़ती है। जो लोग मैरिड होते हैं उनको 8 पीस लेना पड़ता है काउंटिंग करके, तो 8 पीस देखो मैं काउंट कर रही हूँ। और जो लोग अनमैरिड होते हैं उनको 32 पीसेस लेना पड़ता है पर पर्सन 32 पीस। तो हम सब काउंटिंग कर रहे थे जैसा कि आप देख रहे हो। अब देखिए, अब मेरे भी जो टर्न है वो आ चुके हैं पूजा की, तो मैं अब कर रही हूँ पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं पूछूंगी गणगौर। फिर मैंने लगाई टिक्कियाँ, मतलब डॉट्स। 8 डॉट्स जो है वो हमें रोली की लगानी होती है, और 8 डॉट्स जो है वो हमें मेहंदी की लगानी होती है, और 8 डॉट्स जो है हमें काजल की लगानी होती है। तो मैंने भी लगाई पूजा के टाइम पे। तो अभी मैं आई हूँ वापस गणगौर माता को भोग लगाने के लिए। ये है कोई स्पेशल लड्डू भोग लगाने का, इस चीज़ का ही भोग लगता है गणगौर माता को अभी आज के दिन। और ये पानी जो भी भोग लगाता है गणगौर माता।
अभी हमारा खाना वाना सब कुछ हो चुका है और हम आ चुके हैं अब रेस्ट के लिए, मतलब अब रेस्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, 2 o'clock हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले मैं मौसम दिखाती हूँ, इतना अच्छा और इतना सुहाना मौसम हो गया, बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब आई थिंक सो ये इस ईयर की फर्स्ट बारिश है। देखो बारिश बारिश, कपड़े भी उड़ने लग गए। फिर मैं वापस से हुई रेडी क्योंकि हमें मंदिर जाना था बड़ी गणगौर देखने के लिए, और हमारे घर पे जो गणगौर माता थी उनकी विदाई भी होने वाली थी, इसीलिए फिर मैं रेडी वगैरह होके फटाफट से गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे सारी जो पब्लिक्स है वो वेट कर रही है गणगौर माता का। गणगौर माता को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था तो हम सब वेट कर रहे थे, और देखिए भीड़ भी कितनी ज़्यादा हो रखी है, तो सब लोग खड़े खड़े अपनी गॉसिपिंग्स कर रहे थे, वेट कर रहे थे गणगौर माता का। होम, घर पे मैं आ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हम सब गए थे गणगौर माता के दर्शन करने, उनको यहाँ की बड़ी गणगौर माना जाता है, तो हम जाते हैं आज के दिन दर्शन करने उनके। उनको मंदिर के बाहर ला के थोड़ी देर वहाँ पे खड़े करते हैं और सब आते हैं वहाँ पे दर्शन करने। जैसा कि आपने देखा था कितनी ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग आते हैं, यहाँ के जितने भी लोकल हैं सब आते हैं ऑलमोस्ट दर्शन करने के लिए। मतलब आज तो पता नहीं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था, 5:30 बजे हम गए थे, 6:30 बजे गणगौर माता आई थी, पूरे 1 घंटे तक हम कंटिन्यूसली खड़े थे वहाँ पे, 1 घंटा लग गया था आज, पता नहीं बहुत लेट हो गया था। तो बस अभी हम आ गए हैं घर पे, और कैसा लगा आपको? आपको भी मैंने दर्शन करवाए गणगौर माता के, और आपके साथ भी मैंने क्लिप्स शेयर करी कि हम कैसे गणगौर पूजन करते हैं और सब, गणगौर का ब्लॉग मैंने शेयर किया आपके साथ। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सो इसी के साथ यहीं पे मैं मेरे ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो यूँ ही लाइक सब्सक्राइब और मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहना। सो ठीक है गाइस, बाय बाय, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय।